उत्तर प्रदेश में सरकार गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करती है, पर यह राजधानी लखनऊ का हाल है। आप ये जो सड़क देख रहे हैं ये सुगामऊ ग्राम पंचायत लगता है, और अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये पूर्वी विधानसभा क्षेत्र लगता है, और नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री हैं, जो नगरों के विकास की दायित्व और जिम्मेदारी जिनके पास है, उनका जो क्षेत्र अगर इस तरीके का है तो आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के क्या हालात होंगे। ये लखनऊ का ही क्षेत्र है, लखनऊ का इंदिरा नगर लगता है, और ये बॉर्डर है, आपको बताऊं तो ये सुगामऊ है और जस्ट बॉर्डर है, इसके बाद से बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र लग जाता है यहाँ से। तो ये बॉर्डर का क्षेत्र है। विकास की अगर बात की जाए और जो दावे करती है सरकार, वो साफ तौर पर यहाँ फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं सड़क है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, इनसे जरा बातचीत करेंगे। ये मंदिर भी है, काफी पुराना मंदिर बताया जाता है, या आप पुजारी हैं क्या? हाँ हाँ जी। क्या नाम है आपका? बालेश्वर लोधी। अच्छा, ये जो क्षेत्र है, नगर विकास मंत्री हैं आशुतोष टंडन जी, बात करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त पूरी सड़कें कर दी, ये कब से सड़क खराब है? कभी बना नहीं, तो मिट्टी की बनवा ही नहीं, कहीं ना मिट्टी गिरी है, कभी नहीं बनी, ऐसी मिट्टी की पड़ी है, बस यूं है मिट्टी की है। और ये नगर निगम में कब से है? ये नगर निगम में आता है? ये कम से कम 40 साल से ऊपर है नगर निगम। 40 साल से ऊपर हो गया है नगर निगम में आए हुए, मगर अभी तक सड़क ऐसी ऐसे है। ये नगर विकास मंत्री का क्षेत्र है, विधायक जी यहाँ के लगते हैं आशुतोष टंडन जी। तो ये सड़कें और क्या क्या बता रहे हैं कि विकास के जो दावे किए जाते हैं, आपको लगता है आपके यहाँ विकास हुआ है? सब चीज विकास में जो दिख रहा है वही दिख रहा है, बाकी तो और कुछ दिख तो नहीं रहा है। नहीं है आता तो कोई नहीं है। चुनाव उनाव के टाइम आते हैं? नहीं नहीं नहीं, बस केवल चुनाव के टाइम आते हैं, बाकी कोई नहीं दिखाई देता है। अच्छा, तो भैया क्या लगता है, चुनाव के टाइम आते हैं तो कुछ बोलते होते हैं कि यहाँ काम हम करेंगे, कि उसके बाद बस ये केवल टावर ये लगवा गए हैं, बस यहाँ टावर लगवा गए, हाँ ये 3 लाइट का बस। अच्छा, मंदिर में? जी जी, मंदिर में। ये मंदिर बात करें, कितना पुराना मंदिर होगा ये? मंदिर पुराना है, 1955 का है, और 55 का है। अब उसके पहले ये जो मेन गेट बना है 55 का है, उसके और पीछे का जो सिरा है बहुत पुराना है और पहले का है। बहुत पुराना है, पहले का है, मगर अगर विकास के दावे की जाए तो सड़क आप देखिए किस तरह से पूरी मिट्टी है, और ये लगेगा ही नहीं आपको कि राजधानी लखनऊ है। नगर विकास मंत्री हैं और सड़कों का ये हाल है आपके? हाँ बिल्कुल, कभी भी यहाँ नहीं बना है, ना हमारे सामने कभी आए हुए हैं, एक बार शायद आए थे, और ये कम से कम जो है मंदिर हमारा जो है आज से करीब 100 साल पहले का पुराना है मंदिर, लेकिन तब से जो है ये रास्ता गांव सुगामऊ ग्राम सभा के अंदर ये आता है, सुगामऊ ग्राम सभा से यहाँ आने के लिए जो है यूँ दूरी जो है करीब 300 मीटर है, लेकिन घूम के आना पड़ता है हमको, करीब 1 किलोमीटर घूम के आते हैं हम लोग। रास्ता खराब है इस वजह से जो है, और एक दूरी और है सुगामऊ के पुरवा से, वहाँ सीधा रास्ता है, लेकिन उसके अंदर भी जो है कम से कम 50 मीटर का रास्ता बिल्कुल ख़राब पड़ा हुआ है, जानवर भी निकलते हैं उसमें, पानी बरसात में कीचड़ भर जाता, पानी भर जाता है। उधर बता रहे हैं पानी भर जाता है, कीचड़ भर जाता है, पूरे क्षेत्र में यही हाल है, पूरे क्षेत्र में यही हाल है। वाटर टैंक खाली आते हैं खाली, बस जब वाटर लेने को तो आते हैं, खाते बनाएंगे, काम निकल जाता है, बस काम खत्म हो जाता है। क्या नाम है आपका? सुरेश जी। यहीं आप निवासी हैं? हाँ यहीं के निवासी हैं। ये देखिए यहाँ के लोग निवासी हैं, इनका यही कहना है कि भाई विकास के जो दावे करती है जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे नेता जी हों, विधायक जी हों, पार्षद जी हों, वो आएंगे चुनाव के टाइम और बातें बोल करके चले जाएंगे, ऐसा है क्या भैया? हाँ ऐसे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। अच्छा। और ये प्राचीन मंदिर के चारों तरफ से कहीं से कोई रास्ता नहीं, बारिश में आने वाला नहीं रहता है, लोग पूजा करने आते हैं लेकिन गांठ बांट कीचड़ में आते हैं। इसको लेकर के लोगों ने क्या बातचीत नहीं किया आपने नेताजी से? 50 अप्लीकेशन देनी गई हैं और नगर निगम मा और नेताओं जी के द्वारा ये सब किनी गई, लेकिन अब कोई सुनवाई नहीं है। अगर इनसे कहा जाए तो वह कहते हैं कि जब हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक आपको जो सर सांत्वना देते रहते हैं कि भाई काम हो जाएगा, हो जाएगा, बस हो जाएगा यही कहते हैं। हाँ। देखिए आप गांव के लोग थे, इनका कहीं ना कहीं एक आक्रोश भी है ऐसा नेताओं को लेकर के कि जो सांत्वना देते रहते हैं कि भाई काम हो जाएगा, मगर आप खुद सोचिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नगर विकास मंत्री का क्षेत्र है, वो यहाँ के विधायक जी भी लगते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो अभी बता रहा था कि क्षेत्र का जो लोकेशन है, इसके बाद इधर बॉर्डर लग जाता है, अलग विधानसभा लग जाती है बक्सी तालाब, ये आती है आपकी पूर्वी विधानसभा में, और पूर्वी विधानसभा के जो विधायक जी हैं वो नगर विकास मंत्री हैं, नगर के विकास के मंत्री, और ये आप विकास देख सकते हैं पीछे, ये यहाँ का
असली जमीनी सर्वे था जो जेएमडी खबर आपके सामने रख रहा था। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन राकेश साह, जेएमडी खबर, बक्सी का तालाब, लखनऊ।